आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक बहुत ही संघर्षशील और मजबूत सिपाही बनकर के मौजम खामामा साहब को आदिवासी साहब ने थाना की जिम्मेदारी दी है जिले की, जिसमें हम तमाम लोगों को काफ़ी हौसला मिला है और इंशाल्लाह इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम आगे बढ़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और जो भी उम्र के मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, उनको मजबूती से उठाने का एक साथ मिला है, विकल्प हमारे पास आया है। इंशाल्लाह आपने बैनर भी लगवाया था, ये भी बताया गया था कि अब वाजपेयी साहब मुमरा में सभा संबोधित करने वाले हैं, क्या वजह थी, क्यों नहीं आए? जी, चूँकि बहुत ही मसरूफ आदमी है, बहुत से मसाइल उनके सामने आते हैं, क्योंकि डेट पहले डिसाइड थी और उनके यहाँ नोट भी थी, लेकिन अचानक दिल्ली जाना पड़ गया उनको इमरजेंसी में कुछ काम से, और इस वक्त कुछ इश्यूज चल रहे थे उनके, तो इमरजेंसी में जाना पड़ गया। आपके कुछ कार्यकर्ता बताए कि दिल्ली वगैरह नहीं गए थे, मुंबई में ही, ये अनऑफिशियल बात है, आप लोगों में ही कुछ आपसी मतभेद हुआ था तो सभा कैंसिल करा दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अनऑफिशियल बात है, लोग अलग अलग तरह पे बातें करते रहते हैं, लेकिन बाद में भी भिवंडी में कोटी में सभा उन्होंने किया, दूसरे दिन आए थे, मुंबई में भी कर सकते थे ना, दूसरे दिन आए वो, चूंकि उस दिन उनको दिल्ली जाना था, उन्होंने जो हमको सूचना मिली, बताएंगे कि वो कौन से इख्तलाफात है जो यूपी से मामा साहब को आना पड़ा, इख्तलाफात समाजवादी के दूर करें। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैं भी नया हूँ, मैं नया आया था, चूँकि अब वासिम साहब ने मुझको यहाँ पर भेजा था काम करने के लिए, तो मैं काम कर रहा था कुछ पुराने लोगों से साथ मिल कर, तो हो सकता है कि उस काम करने में तालमेल, एक परिवार है, परिवार में जिस तरह से थोड़ा हो जाता है उस तरह हो, पार्टी में भी होता रहता है, तो हो चुका है, हो गया होगा, फिर मामा साहब बात जो है, उन्होंने कार्यक्रम किया, सभा किया, भिवंडी में भी किया था, गोहिली में भी किया, जी जी, मुंबई में क्यों नहीं किया? दूसरे दिन वो आ चुके थे, इसलिए उनके प्रोग्राम सारे लगे थे, अब इंशाल्लाह मामा आए हैं मौजम भाई, हम तमाम लोग मिलकर के बहुत जल्द उनका प्रोग्राम यहाँ पर मुमरा में करवाएंगे, क्योंकि हमारे लीडर हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं ऐसा कि समाजवादी जो है धीरे धीरे मुमरा में जो है डप होते जा रही है, ऑफिस खुला वो भी बंद हो गया चांद नगर में, ये बंद हुआ, ये देखिए अनऑफिशियल बातें हैं, जब कभी भी किसी पार्टी में भी कुछ चीजें उभरती हैं कुछ इस तरह की जिससे उसका नुकसान होता है, वो नुकसान से हम इनकार नहीं करते, हुआ है, लेकिन हमने बंद हुआ ये सच में ऑफिस नहीं बंद हुआ है ऑफिस, क्योंकि अब वहाँ पर बैठने वाले लोग नहीं होंगे या कोई आने जाने वाला नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं महसूस किया होगा तो नहीं आने वालों में कोई आने जाने वाला है या नहीं? नहीं नहीं, चूंकि वो जो जिम्मेदार बनाएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप उस जिम्मेदार पर नजर नहीं रख रहे हैं? हमने पूरी नजर रखा, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे यहाँ चूंकि उसी मैदान में आने वाले थे अध्यक्ष जी, आ जाएंगे तो हमारा फिर से ऑफिस खुल करके काम करना शुरू कर, उनका कार्यक्रम वही होगा उसी स्थल पर, ऑफिस की ओपनिंग ही नहीं हुई, ओपनिंग नहीं हुई, ओपनिंग नहीं हुई, वो चूंकि ले लिया गया था और उसी ले की ओपनिंग वो करेंगे, तो चूंकि वो नहीं आए इसलिए वो थोड़ा सा अभी वक्ती तौर पर बंद है, लेकिन जिस दिन प्रोग्राम देंगे वहीं पे प्रोग्राम होगा और ऑफिस खुलेगा, वही इनॉग्रेशन करेंगे। आप लोग शहर के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग में ही एकता नहीं है तो विकास कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे? नहीं, एकता है और थोड़ी मोड़ी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो कि हर परिवार में होती है, पार्टियों में होती है, उससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन पार्टी का कार्यालय बराबर काम करता रहा है, मैंने बराबर जो इश्यूज है उस पर मैं आवाज उठाता रहा हूँ, हमारा अभी कैंप चल रहा है शिवली नगर में, कहीं कोई काम प्रभावित नहीं हुआ है, काम पर कोई असर नहीं पड़ा है, काम हो ही रहा है, जो भी जरूरत जहाँ पड़ेगी इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ काम करेगी, तो इंटरनल आपसी मामला खत्म करने के बाद आपका मुद्दा क्या होगा मुमरा के विकास के लिए, जो भी मुद्दे होंगे, जैसे कि क्या सर? जैसे कि टोरेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे सबसे पहले आवाज हमने उठाया, सिग्नेचर कैंपेन एक महीने तक हमारा चलता रहा और उसके बाद दूसरी दूसरा उसका अब आगे आने वाले शहर में गार्डन की कमी है, स्कूल की कमी है, ग्राउंड की कमी है, मतलब अभी तक समाजवादी पार्टी ने कुछ लिस्टिंग नहीं की है कि आगे का कदम क्या हो? चूंकि अब हमारे लगातार काम जारी है, आई है क्या, आप लोग तो बार बार पूछ रहे हैं क्या है, अभी आए हैं, अभी बैठेंगे, अभी तो पहला दिन है, एक दो दिन में डिसाइड करेंगे, फिर हम खुद बुला के आंदोलन 14 को हम लोग अभी तय हो रहा है, अभी बात करेंगे, हो सकता धरना दे हम लोग, इसकी 30% जो है पहले 20% बाहर आए, वो क्या नाम है बिजली की बिल, उसके अगेंस्ट हम लोग धरना देंगे, तो सर ये धरना एमआईएम के साथ होगा या अलग? नहीं, हम लोग अपनी पार्टी में लड़ाई करेंगे,
14 को बॉम्बे में बड़ा है समाजवादी का, तो हमारी बात चल रही है, हो सकता हम लोग साथ में जाए या यहाँ पे करें, हम लोग का इरादा यही पे करने का, अभी किसी से बात नहीं हुई, अभी बात होगी तो हम लोग तय करेंगे जैसा सब लोग बोलेंगे। भाई मैं आया हूँ यहाँ, सब लोग को एक साथ करके हम लोग मेहनत करेंगे, समाजवादी का यहाँ पे संगठन तैयार करेंगे और नगर महापाल का जो चुनाव है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आएँ और लोगों के बीच में जाए और सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सारी टीम, समाजवादी टीम जो है वो पूरा काम करेगी, तो एक आदमी नहीं सारी टीमें रहेंगी। गुमरा के बहुत सारे अहम मसले मुद्दों को लेकर कि समाजवादी पार्टी क्या करेगी और आप नए नए अध्यक्ष बने उसको लेकर क्या करेंगे? हम लोग सारे समाजवादी के लोग जो है मिल के हम लोग तय करेंगे कैसे करा जाए, क्या किया जाए जिससे लोगों को फायदा हो सके ज्यादा से ज्यादा। हम लोग जो खिदमत का काम कर रहे हैं तो लगे लोगों के हाँ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और लोगों की खिदमत का काम कर रही है। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम जो प्रॉब्लम्स है यहाँ की उसको समझा जाएगा, हम लोग बैठेंगे सारे लोग संगठन के लोग बैठेंगे उसमें तय करेंगे कैसे हम लोग करा जाए, क्या किया जाए जिससे लोगों को आसानी हो हर काम के लिए। अभी नसीर सर ने कुछ आपसे इख्तिलाफात को लेकर कुछ कहा था, इसको लेकर क्या करें? कुछ जो गतिविधियाँ चल रही है आपस में ना इत्तेफाकी चल रही, उसको लेकर क्या करें? नहीं ना इत्तेफाकी नहीं, तालमेल नहीं बैठ पाया, असल में सब लोग इधर बिखरे हुए हैं, पार्टी जब वर्क नहीं हो पा रहा था, हम लोग इकट्ठा हुए हैं सारे लोग जो सीनियर लोग हैं नए लोग हैं सारे लोग मिल के हम लोग तय करेंगे कैसे क्या किया जाए, सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था, हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, अब आए हैं सब लोग इकट्ठा होंगे और सब लोग मिल के तय करेंगे किस तरीके से अच्छा लोगों की खिदमत किया जा सके। सर आपके आने के बाद मुमरा में समाजवादी की कितनी सीट आने का कुछ आपने अंदाजा लगाया है? अब हम लोग अभी मेहनत करेंगे, अभी तो आए हैं देख रहे हैं क्या क्या, हम लोग तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और दिल्ली हर जगह जाते हैं, हर जगह चुनाव में रहते हैं, हर जगह काम करते हैं, हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोग का काम है कि संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, और क्या पब्लिक का काम है कितना हमको सीट देती है कितना नहीं देती है, वो तो पब्लिक का काम है, हमारा काम देखेगी हो सकता है हमको ज्यादा सीट मिल जाए, और जब बीच में रहेंगे पब्लिक के तभी तो पता चलेगा हमें क्या है कैसे है। हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग इकट्ठा होकर और लोग जो पुराने लोग हैं जो नहीं थे सक्रिय नहीं थे उनको ले आएंगे, उनको ले आएंगे बीच में और नए लोगों को जोड़ेंगे, सबको जोड़ के इकट्ठा करके इत्तेफाक आपस में करके पहले हम लोग तो आगे पब्लिक के बीच में जाएंगे ताकि एक मैसेज अच्छा जाए, पार्टी को मजबूत करेगी उसके बाद ये संगठन को सबसे पहले मजबूत हम लोग करेंगे।